हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सब? अच्छे हैं। और आज हम बना रहे हैं आलू और बड़ी की सब्ज़ी, जो मूंग की दाल की बनी होती है, वो बाज़ार वाली है। मैंने घर पे नहीं बनाई है। कई लोग घर पे भी बना लेते हैं तब भी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो आलू और बड़ी की आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाएं, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ये ले लिया है आलू, टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, दो कली में लहसुन की भी ले लेती हूँ। और ये बस मैंने आलू को कट कर लिया है और हरी मिर्च को कट कर लेती हूँ, बारीक बारीक कट कर लेती हूँ हरी मिर्च को। मैं मिक्सी में उसमें नहीं पीसती मिर्च को, छोटे छोटे कट कर लेती हूँ। सारी चीज़ों को हाथ से ही कट कर लेती हूँ। वैसे टमाटर को बस मैं मिक्सी से पीसूँगी। टमाटर आजकल का गर्मी का जो टमाटर होता है, थोड़ा वैसा सूखा मतलब बहुत कैड़ा कैड़ा सा लगता है। तो बस मिक्सी में मैं टमाटर को ही पीसूँगी, बाकी जो प्याज वगैरह है सब मैं हाथ से, और हरी मिर्च को सभी को हाथ से काट लूँगी छोटा छोटा चक्कू से। तो बस मेरी तैयारी हो गई है। अभी मैंने सब्जी को बनाया नहीं है, पहले थोड़ी मैंने मलाई जमाई थी तो उसको हाथ से चला लेती हूँ। थोड़ी लस्सी भी आ जाएगी, निकल आएगी, तो फिर इससे रोटी के साथ में हम थोड़ा एक ही गिलास सब ले लेते हैं। गर्मी के टाइम में लस्सी अच्छी रहती है। तो बस अब इसको मैं ऐसे ही चलाती हूँ। वैसे मेरे पास है ग्राइंडर भी, लेकिन नहीं, मुझे ज़्यादातर हाथ से ही काम करना अच्छा लगता है कोई भी चीज़ में, मतलब थोड़ा बहुत अपने हाथ से ही करती हूँ। और बस अब मैं टमाटर को पीस लेती हूँ, खाली टमाटर को ही मैंने पीस लिया है। टमाटर का पेस्ट बना लिया है और चम्मच लेके इसको सारी चारों तरफ से साफ करके छुटा लूँगी। और ये बस अब हो गया मेरा, इतना सही काम था। और अब मैं मिक्सी को रख दूँगी उठा के, थोड़ी सी साफ में साथ के साथ हर चीज़ को मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि फिर गंदी नहीं दिखती है। थोड़ा सा पीसती हूँ तो बस गिर जाता है इधर उधर। बस अब तैयारी करूँगी। और सबसे पहले मैंने गैस चला दी है और कढ़ाई को रख दिया है गैस के ऊपर। अब मैं डालती हूँ सरसों का तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं, क्योंकि इसमें आलू को फ्राई करना होता है और जो बड़ी बनाएंगे उनको भी फ्राई करना होता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही तेल डालते हैं। और ये करछी ली है मैंने छोटी वाली। और आज मैंने साड़ी पहनी है, थोड़ी मतलब बरसात का सा ठंडा सा मौसम लग रहा था तो साड़ी पहन ली मैंने, लेकिन दोपहर में मुझे बहुत गर्मी लगी थी। और आज मैंने बहुत सारा काम किया है, काम करते करते आज मुझे देखना कितना टाइम हो जाएगा, पूरी वीडियो देखोगे तब समझ में आ जाएगा कि आज मैंने बहुत सारा काम किया है घर पर। तो अब बस ये मेरा तेल गर्म हो गया है, अभी मैं आलू को अच्छे से धुल लेती हूँ। एक दो बार अच्छे से धुलती हूँ। और बेटी खा रही है मैगी, सुबह में उसने मैगी बनवाई थी, तो देखो कैसे खा रही है। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है 18 जून, दिन है शुक्रवार, और सुबह का टाइम है ये 10:30 का। तो बस मेरी जो सब्ज़ी की तैयारी है, हमारा नहाना धोना, हमारी पूजा वूजा हो गई है, और बस हमारा चाय नाश्ता भी हो गया। बस अब दोपहर के खाने की ये तैयारी चल रही है। तो बस यही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज ये जो रेसिपी है आलू और बड़ी की सब्ज़ी, ये दिखाऊँगी मैं कैसे बनाती हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो और छोटे वाला अब बस मैं आलू को डाल देती हूँ, जो मैंने कट कर रखे थे, अच्छे से धो भी लिए हैं, तेल गर्म हो गया था। तो मुझे सबसे पहले आलू को ही फ्राई करना है, मतलब आलू को मैं तल लूँगी अच्छे से तेल में, मेरा तेल गर्म हो गया है, फिर इनको मैं निकाल लूँगी। तो अभी दिखाऊँगी आपको। और ये जो मेरी है पंखा लगा लेती हूँ छोटा वाला रसोई में, बस उसी से काम करती हूँ।
बस अभी मेरा आलू फ्राई हो जाएगा। थोड़ी देर तक इसको कम से कम मैं 5 मिनट तक रखूँगी, चलाती रहूँगी तो इसमें थोड़ा गल भी जाता है, फिर सब्ज़ी में टाइम नहीं लगता। अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और ये हरी मिर्च और 2 लहसुन की जो कली थी उसको मैं इसमें ही कूट लेती हूँ, ट्रक वाले में कूट के डाल देती हूँ, पीसती नहीं हूँ मैं इसमें, अच्छे से कूट के तो डाल दूँगी तो सही लगता है, इसमें भी अच्छा रहता है। उसको कट भी कर लेते हैं तो मुझे कट करने से अच्छा नहीं लगता है लहसुन वसन को, तो मैं बस इसमें थोड़ा सा उसको अच्छे से कुचल के तब डालती हूँ। और आलू फ्राई हो गए हैं और मैं निकाल रही हूँ इधर थोड़े से, मतलब ये गले गले से भी हो जाते हैं तो सब्ज़ी में हमारी में जब बनाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा। अच्छे से फ्राई कर लिया है मैंने आलू को, बस अब बड़ी को मैं बड़ी भी इसके अंदर ही डाल के फ्राई कर लूँगी। ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये मूंग की दाल की जो बड़ी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है। और बस मैं इनको भी थोड़ा सा 2 मिनट फ्राई, इनको ज़्यादा नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा कड़क करेंगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है गलने में, तो बस थोड़ा धीमा कर दिया है मैंने। फ्राई और देख लीजिए आप, थोड़ा ये इसका कलर भी चेंज हो गया है, ब्राउन ब्राउन हो गया है थोड़ा, मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। तो बस अब लगा देंगे छौंक इसमें और मेरी टेस्टी सब्जी बनने वाली है। तो बस इसमें अभी डालूंगी मैं थोड़ा जीरा, बस उसको मैंने रख दिया है ढककर। और ज़्यादा मसाले बस वही जो अपने घर पर अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि तेज पत्ता या कुछ भी जो मेरे पास होता है वही मैं कर लेती हूँ, अपना काम चला लेते हैं। तो हींग भी डाल दिया है मैंने और जीरा डाल दिया है। तो बस अब डाल देती हूँ प्याज को, बस प्याज को कर लेते हैं अच्छे से भून लेते हैं जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता। अब थोड़ी सी भून गई है प्याज, तो मैं डाली हूँ ये लहसुन का जो पेस्ट बना रखा था मैंने, लहसुन हरी मिर्च वाला पेस्ट भी डाल दिया है, अच्छे से भून लेंगे इसको। थोड़ा सा चलाना जरूरी है क्योंकि अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ गैस पे भी कपड़ा मार देती हूँ, इधर कपड़ा अच्छे से पोंछ देती हूँ, बीच बीच में सब्जी को भी चलाते रहते हैं। आज मेरा मन गया था साड़ी पहनने का, काफ़ी दिन से मैंने साड़ी नहीं पहनी थी और आज साड़ी पहनी तो इतना सारा काम भी किया, साड़ी पहन के आज बहुत ज़्यादा काम किया था मैंने, जो भी घर का काम था वो पूरा। साड़ी जब आधा छूट जाती है तो थोड़ा अजीब अजीब सा लगता है और ऐसे मतलब काम करने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी। तो बस अभी डाल देते हैं मसाले को जो हमने मिक्सी में टमाटर को पीस रखा था, तो प्याज हो गई है भुन के तैयार। तो अभी मैं डाल देती हूँ ये जो मैंने टमाटर का पेस्ट बना रखा था, खाली टमाटर को ही पीसा था मैंने, बस अच्छे से मिक्स कर दिया। और मैं थोड़ा इसमें पानी भी डाल दूँगी इसको धो के, जग मैंने जग में ही छोड़ दिया था इसको। बस अब थोड़ी सी तेज करके गैस और अच्छे से इसको भूनेंगे, मसाले को तब तक भूनेंगे तब तक वो अच्छे से एकदम अपनी खुशबू नहीं आ जाए। और इसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, तो बस मैंने सब डाल दिया है। नमक अभी नहीं डाला है मैंने, नमक बाद में डालूँगी, तो पहले अच्छे से इसको भून लेते हैं, चलाना रहता है नीचे लग जाता है नहीं तो। तो बस अब मंदी गैस पे ही ये भुनता रहेगा, तो धीमे धीमे देख लीजिए इस टाइप से कलर आ रहा है धीरे धीरे, अच्छे से एकदम कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। और आपके मैंने कुछ भी इस ना ऐसा कोई मसाला नहीं डाला है कि कलर के लिए, बस जो ही अपना नॉर्मली जो सब्जी बनाते हैं हम डेली, बस वही है, कोई अलग से कुछ भी ऐसा मसाला ऐड नहीं किया है मैंने। तो देखना आप किस तरह से मतलब अच्छे से एकदम मेरी, और मैं थोड़ा चावल भी बनाऊंगी क्योंकि जो आलू और बड़ी की सब्ज़ी रहती है तो उससे मैं मुझे बहुत पसंद है चावल खाना, तो चावल भी थोड़े बना लूंगी अपने लिए, अच्छा लगता है मुझे। तो आप देख लो कलर कितना अच्छा आ गया है,
और मैंने कुछ नहीं डाला है और कोई कट वट कुछ नहीं था मेरी इस वीडियो में, तो देख लीजिए बिल्कुल से अच्छा मेरा मसाला भुन के तैयार हो गया है और बिल्कुल कलर ऐसा आ गया है जैसे एक सब्जी पे अच्छे से कलर आता है, उस टाइप से ही मेरी जो मसाले मैंने भुने हैं एक कलर भी बहुत अच्छा छोड़ दिया है और अब तेल भी छोड़ने लगा है मेरा मसाला, साइड में दिख रहा होगा आपको। तो बस थोड़ा सा और मैं इसको भून लेती हूँ। अब डालती है मैंने आलू और जो मेरी बड़ी जो मैंने फ्राई कर रखे थे बस उनको ही अब मैं अच्छे से डाल के मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद में फिर इसमें हम पानी डालेंगे जितना ही हमको मतलब तरी वाला चाहिए उतना ही, और ये जो आलू बड़ी की सब्ज़ी हम थोड़ा तरी करते हैं तो ये सोख लेती है पानी को तो सूख जाता है। और बस अब मैं नमक इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो नमक तो अपने स्वादानुसार ही डाल सकते हैं सब। तो बस अब मैं पानी डाल दूँगी इसमें अच्छे से नमक को मिला के, बस हम पानी को ऐड करेंगे। तो पानी कोई सूखी भी पसंद करते हैं लेकिन मैं तो तरी वाली ही बनाऊंगी, ये सब्ज़ी ज़्यादातर तरी वाली ही बनती है। तो बस अब पानी कर देते हैं इसमें ऐड और देख लीजिए इस टाइप से मेरी सब्ज़ी का जो कलर है बहुत अच्छा दिख रहा था। थोड़ा पानी इसमें और ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा है, अभी थोड़ी सब्जी पनेगी तो थोड़ा पानी कम हो जाएगा। बस थोड़ा पानी करके और इसको ढक देती हूँ और गैस को कर देते हैं थोड़ा सा तेज, बिल्कुल लो नहीं करेंगे, हल्का सा और थोड़ा सा मैं इसको कर दूँगी। और इधर कमरे में आके मैंने अपनी बेड शीट को चेंज किया है, मुझे ये थोड़ी लग रही थी गंदी गंदी सी और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी, तो बस ये मैंने अपनी बेड शीट को चेंज कर दिया है और दोनों बच्चे भी ये नहा लिए हैं। तो आज बहुत काम दिख रहा था और गर्मी भी दिख रही थी, तो ये देखो ये प्रिंस क्या कर रहा था, मेरे पास आ रहा था शायद बार बार। और मैं इधर मेरी मशीन भी मैंने लगा दी है क्योंकि सारे कपड़े उपड़े जो मेरी बेड शीट थी और पिलो कवर सारे निकाल लिए, बच्चों को भी नहला दिया। अब कपड़े की बारी आ गई है, दोनों नहा के ये बच्चे खा रहे हैं, थोड़ा पनीर दिया था इनको काट के तो ये दोनों खा रहे हैं। और बस इधर मेरा हो गया है थोड़ा सा क्लीन का काम, अब मेरे कपड़े धोती हूँ और फिर रसोई को भी आज मैं साफ़ करूँगी, मुझे लग रहा था कि थोड़ी। और इधर जो मेरे बर्तन हैं जो सुबह मैंने धोए थे तो वो सूख गए हैं, तो बस अपना इनको मैं बर्तन को लगा देती हूँ जहाँ जहाँ पर मुझको रखना होता है। तो बस ये सारे जो बर्तन हैं ये मैंने ऐड कर दिए। और ये मेरी चम्मच या चक्कू वाला जो स्टैंड था तो ये थोड़ा गंदा हो रहा था, तो आज मैं ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो रसोई की, आज इनको सभी को मैं साफ़ कर दूँगी। गर्मी तो है ही लेकिन फिर गंदगी तो अच्छा नहीं लगता, गर्मी की वजह से सफाई करने को भी मन नहीं होता लेकिन गंदगी भी अच्छी नहीं लगती। तो इसको ये गंदा हो रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि चलो इसको साफ़ करके, और फिर मैंने साफ़ किया और फिर इसमें जो मेरे चम्मच या चक्कू वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। तो बस इधर साइड में मैं गैस के पास जो भी मेरे को चाहिए वो जल्दी से मिल जाता है इसमें रखने से। और आज जो थोड़ी सी क्लीनिंग है ऊपर की वो भी मैं, जो मेरी रसोई की ये शीशे वगैरह हैं ऊपर वाले ये भी गंदे से लग रहे थे मुझे, तो बस ये जो फैली हुई थी रसोई उसको थोड़ा सा समेट देती हूँ। सामान इधर उधर जैसे खाना पीना बना तो इधर उधर हो गया है, अभी हमने मैंने खाना तो बना दिया है लेकिन अभी खाया नहीं है बच्चों ने भी। और ये मैं नीचे बैठ के इधर को जो यहाँ पे नीचे डिब्बे वगैरह थे इसको मैं पहुँच रही हूँ अच्छे से पहुँच के, और डिब्बों को जो अंदर नीचे लगाती हूँ मसाले वाले वो सब को साफ करके फिर रख देती हूँ इस साइड से, इधर उधर हो जाते हैं जल्दी जल्दी सामान उठाने में तो उनको एक साइड फिर अच्छे से लगाना पड़ता है। तो बस वही मैं जो भी सामान है अब जो बाज़ार से आया था तो उसको भी थोड़ा सा, और इसमें मैं जो मूंग दाल है वो भिगोती हूँ थोड़ी सी साबुत मूंग दाल भिगो के रख देती हूँ, सुबह में खाते हैं सब। तो अभी 10-11 का टाइम ये सारे दिन भिगोगी भीग के रखेगी, फिर इसको रात में भी, और फिर इसको थोड़ा सा मैं कपड़े में बांध के रख देती हूँ फिर ये अच्छे से इसमें अंकुर निकल आते हैं। तो ये मेरा काम है दोपहर में ही मैं ये भिगो के रख देती हूँ।
जो रसोई का छोटा मोटा काम है वो काफ़ी टाइम भी लग जाता है, और मैंने इसको धो के साफ़ कर दिया है। जो मेरी बास्केट थी बर्तन वाली, तो इसको भी अब मैं धूप में सुखाने वाली, क्योंकि जो बाहर का सामान है दोनों को धो के और फिर रखती हूँ बाहर। तो आज का जो मेरा काम था, ये छोटी मोटी जो सफाई थी रसोई की, वही की है मैंने, क्योंकि इस छोटे मोटे कामों में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है, और इधर बीच में धूप आ रही थी तो मैंने यहाँ पे रख दिया धूप में सुखाने के लिए इसको। और कई चीज़ें हैं जिनको धूप नहीं मिलती, तो ये दूध वाला जग था, और ये जो मिक्सी के दोनों जग हैं ये भी मैंने धूप में रख दिए। अब ये थोड़ी इनको धूप लगेगी, तो बस ये फ्रिज को भी मैंने आज थोड़ा सा साफ़ किया था, और थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, तो बस फ्रिज में से अभी पानी लेके मैंने पी लिया है। और अभी रसोई में थोड़ा काम बाकी है, तो बस यही मुझे करना है। कितना ही साफ़ कर लो, रसोई में सफाई बस बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को एकदम साफ़ रखना और अच्छे से एकदम क्लीन करना, वैसे तो हम डेली करते हैं, लेकिन किसी दिन ऐसा लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो। तो ये मेरे सीसा थे ऊपर के, तो ये जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं तो इन पे थोड़ी गंदगी सी जम जाती है, तो देखने से थोड़ा मुझे लग रहा था कि गंदा गंदा सा, तो बस मैंने अभी एक क्लीनर लिया है और इसको मैं सीसा वगैरह को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, अभी टाइम भी काफ़ी हो गया था ये सब करते करते, और साथ में मैं मशीन में कपड़े भी देख के आती हूँ, बीच बीच में कपड़े धुल रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो बस ये हो कर दिया है मैंने, अपने शीशा को साफ़ कर दिया है ऊपर से, और बस ये भी मैंने अपनी स्लिप वगैरह पूरी साफ़ कर रखी है। मैंने तो आज का ये जी मेरा ब्लॉग है, देख लीजिए। अब मैं बस रसोई में नीचे पोंछा लगा रही हूँ, ऊपर से मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, बस नीचे पोंछा लगा के फिर मैं कपड़े को देखती हूँ। और आज मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, आज मैंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है इस ब्लॉग में मैंने, बस और ज़्यादा नहीं, मेरी किचन की ही थोड़ी सफाई हुई है, घर में इतना काम रहता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि आज मैंने कितना काम किया था। तो अभी तो मेरा बहुत ज़्यादा काम बाकी है घर में, तो वो मैं आज सारा काम निपटा के तभी खाना वाना खाएंगे, अभी थोड़ा लेट भी हो जाएंगे आज। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि काम में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम निकल जाता है, और वीडियो तब बनाते हैं तो बीच बीच में वीडियो में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो इसीलिए बस थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो बस अब आ गई हूँ कमरे में, और बस ये जो मेरे कपड़े मैंने एक बार तो धुल लिए, डाल दिए थे, अब ये देखती हूँ कि कितने धुले हैं। और जो रसोई की जो क्लीनिंग के कपड़े थे, बस वो ही अब मैं इनको झाड़ के यहाँ पे सुखा दूँगी। जो रसोई साफ़ की थी वो कपड़े हैं ये, तो रसोई के जो कपड़े हैं मैं अलग रखती हूँ पोंछा वाले। बस ये भी सूख गए हैं, अब मैं इनको, मेरी आ गई है, अब मैं झाड़ू आऊँगी घर में, सारे घर में झाड़ू और पोंछा भी लगाना है मुझे आज। जब सुबह में आज मैंने तो पोंछा नहीं लगाया था कि दोपहर में सफाई करूँगी तभी मैं घर पे झाड़ू पोंछा करूँगी, तो बस ये मैंने सबको अब सामान हटाने की बारी है, क्योंकि अब लगाऊँगी मैं झाड़ू, जो भी सामान बीच बीच में फैला है उसको समगा के, और अब झाड़ू और पोंछा दोनों लगाऊँगी। तो दोपहर का टाइम हो गया है, ये काफ़ी टाइम भी हो गया, और बस अब झाड़ू लगा के बीच में मेरे जो ये बरामदे में थोड़ी सी धूप आ जाती है, तो इसमें मुझे अपना सामान जो भी जैसे धूप लगाने का थोड़ा बहुत होता है, तो ये काम मैं यही कर लेती हूँ। तो सर जैसे जाले वगैरह में ये भी मैं कर रही हूँ पिछले वाले कमरे में, लगा देती हूँ। मैं बहुत आराम से हर सामान को उठा उठा के अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, जब भी मुझे अच्छा लगता है। देते हैं, लेकिन दोपहर में जब लगाते हैं झाड़ू पोंछा तो बहुत अच्छे से और आराम से एकदम।
आराम से लगा सकते हो। इस कमरे में पिछली साइड अंधेरा हो रहा है, you